नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि हम शुरुआत कर रहे हैं आज अपने चैनल की, तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, कब शुरू हुई और किसने शुरू की, तो ये बात है 1862 की, जब एक महान विचारक, दार्शनिक, वैज्ञानिक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने इसको शुरू किया था। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बताने के लिए केवल इतना ही काफी नहीं है। सच्चाई यह है कि थियोफ्रेस्ट या पैरासेल्स नाम के इनसे पहले एक वैज्ञानिक हुए हैं, वनस्पति वैज्ञानिक आप उनको बोल सकते हैं, जिन्होंने दो सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत था कि जो वनस्पति जगत होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें भी विद्युतीय इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है वो होती है। उनका जो सत्व होता है, जो जो उनकी ऊर्जा होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है। और दूसरा सिद्धांत था समानता के नियम का। समानता के नियम को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आम बोलचाल में हम कहते हैं कि लोहे को लोहा काटता है। इसी दूसरे सिद्धांत को लेते हुए 1740-45 ईस्वी के आसपास डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी का जो आविष्कार किया। हालांकि वो एलोपैथी के डॉक्टर थे, लेकिन एलोपैथी की बहुत सारी कमी होती है जो सभी डॉक्टर जानते भी हैं, और डॉक्टर हैनीमैन भी उसको जानते थे। तो होम्योपैथी पैरासेल्स के एक नियम से निकली है, और अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी पैरासेल्स के पहले नियम से निकली है, जिसमें हमको बताया गया है कि वनस्पति जगत में भी विद्युतीय ऊर्जा, विद्युतीय एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है वो होती है। लेकिन ये बहुत बड़ा साहित्य है जिसका हमने भी अपने बहुत सारे गुरुजनों से और दूसरों से पढ़ा है, जिनके विचार सबके अलग अलग चीजों से निकल के आते हैं, उसमें हम नहीं जाते हैं। फिलहाल हम यही बात करेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी या होम्योपैथी दोनों ही प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हैं, लेकिन दोनों के तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों की दवाई बनाने के तरीके अलग अलग हैं, दोनों के रोग पर काम करने के तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो होम्योपैथी लक्षणों पे काम करती है, मतलब समानता को समानता से हटाया जा सकता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, प्याज जो होता है, प्याज अगर हम छील रहे हैं या उसको काट रहे हैं, अगर वो आंख में लग जाए तो क्या लक्षण पैदा होंगे? आंखों से पानी निकलेगा, नाक से पानी निकलेगा, छींके भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये कुछ लक्षण हुए जो अलग हमने रख दिए, जो प्याज से निकल के आए। तो होम्योपैथी में प्याज से ही दवाई बनाई गई है। प्याज का जो बोटेनिकल वनस्पति नाम होता है वो होता है एलियम सेपा। तो होम्योपैथी में एलियम सेपा नाम की दवाई है जो प्याज के सत्व, प्याज के रस से बनाई गई है, उसको पोटेंटाइज करके, उसको तरल करके जो बनाई जाती है। अब इसका मतलब यह है कि जिस आदमी में ये लक्षण पैदा होंगे, आंख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, लेकिन उसमें जलन नहीं है, पानी आ रहा है, आंख से पानी आ रहा है, छींके भी आ सकती है, तो एलियम सेपा उन लक्षणों पे काम करेगी। जैसे ही आप ये दवाई की कुछ बूंदे आप उस व्यक्ति को देंगे जिसमें लक्षण पैदा हो रहे हैं, तो उसमें धीरे धीरे ये लक्षण समाप्त हो जाएंगे, यानी कि लोहे को लोहे से काटने वाली बात होगी। ये होम्योपैथी का जो मेन सिद्धांत है। दूसरा, होम्योपैथी में जो दवाइयां हैं वो प्लांट किंगडम से भी है, मतलब वो वनस्पति पेड़ पौधों से बन के दवाई बनाई जाती है। दूसरा एनिमल किंगडम है, जहां जानवरों के अवशेषों से, जो उनसे चीजें मिलती है, उससे दवाइयां बनाई जाती हैं। और तीसरा है केमिकल, मिनरल या केमिकल जो भी आप उसको बोले, तीसरा किंगडम, उनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। जानवर से जैसे सांप के जहर से दवाई बनती है, और जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके मांस से जो सड़न होती है उससे दवाइयां बनती है।
तो अलग अलग चीजें हैं उसमें, मानव शरीर भी आता है वहां से भी चीजें लेते हैं, जैसे बहुत सारे जो एंटीडोट टाइप की चीजें होती हैं वो, जैसे चेचक है, चेचक वेरियोलिनम दवाई होम्योपैथी में होती है, वो एक चेचक वाले मनुष्य के शरीर से ही उसको पोटेंटाइज करके उसको बनाया जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है उसमें केवल वनस्पति जगत से दवाइयां ली गई हैं। तो जो काउंट सीजर मैटी थे, जो महान काउंट सीजर मैटी थे, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के भगवान आप उनको कह सकते हैं, उन्होंने केवल 114 पेड़ पौधे, 114 पेड़ पौधे पे रिसर्च करके 38 औषधि हैं जो वो बनाई, 38 दवाइयां उन्होंने बनाई। कुछ लोग वहां पे 37 भी बोलते हैं उसको। वो मैंने बताया कि अलग अलग जो उनके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स हुए, सभी, मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सब हमारे से तो महान ही है सब, तो कोई 37 कोई 38 आप उनको मान सकते हैं दवाइयों को। और बाकी जो कुछ अनुयायी थे मैटी जी के, उन्होंने उन दवाइयों को 64 64 या 60 से ऊपर दवाई को किया है। असल में देखा जाए तो वो इन्हीं 38 मूल औषधियों के मिक्सचर से कुछ और दवाइयां उसमें ऐड कर दी गई। तो मूल मूल बात यह है कि 38 दवाइयां, 114 पौधे अगर हम तैयार कर लें, अच्छे से सीख लें वो कैसे काम करते हैं, तो हम बहुत आसानी से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयों के बारे में जान सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चिकित्सक बन सकते हैं, चिकित्सक बनने के लिए आपको शरीर विज्ञान की बहुत अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है। अब उसी पे मैं आ रहा हूं, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है उसमें जो दवाइयां हैं वो अंगों पर काम करती हैं, शरीर के अंगों पर, इंटरनल शरीर के अंगों पर काम करती हैं। जैसे लीवर पर काम करने वाली दवाई, किडनी पर काम करने वाली दवाई, स्किन पर काम करने वाली दवाई। तो जो 38 दवाइयां हैं वो उसी तरीके से कैरेक्टराइज किए गए हैं, उसी तरीके से वर्गीकृत किए गए हैं कि कौन सी दवाई किस अंग पर काम करती है। तो अगर हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाई को चयन करना है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक बनना है, तो सबसे पहले आपको शरीर विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, इन सब की बहुत अच्छी जानकारी होनी जरूरी है। तो जितने भी तंत्र हैं शरीर में, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, एक्सक्रेटरी सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इन सब के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी होनी जरूरी है। किस सिस्टम में कौन कौन से जो ऑर्गन है वो काम करते हैं, किस ऑर्गन, अब ऑर्गन में दो चीजें हैं, एक ऑर्गन का फंक्शन होता है, एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है। यहां हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाई भी वैसे ही वर्गीकृत है। एक दवाई ऑर्गन के फंक्शन पे काम करेगी, मतलब उसका फंक्शन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है उसको देखेगी, दूसरी दवाई उसके आकार पे, उसके स्ट्रक्चर पे काम करेगी, उसका स्ट्रक्चर हाइपो हो रहा है या हाइपर हो रहा है, स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी हाइपो और हाइपर। तो हाइपोट्रॉफी हाइपरट्रॉफी वो सब हमें इसमें देखना होता है। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया, इसमें थोड़ा सा अंतर भी मैंने आपको समझाया कि होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक्चुअली क्या डिफरेंस है, वो समझ में आया ही होगा आपके। और डॉक्टर हैनीमैन जो होम्योपैथी के जनक हैं, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक हैं, हालांकि डॉक्टर काउंट सीजर मैटी होम्योपैथी से प्रभावित थे, उन्होंने होम्योपैथी को भी पढ़ा, लेकिन होम्योपैथी में बहुत सारी जो कमियां उन्हें नजर आई उसके बावजूद उन्होंने अपनी एक अलग से जो पैथी है, अलग से जो सिद्धांत है वो, हालांकि उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि जो काउंट सीजर मैटी थे वो जमींदार फैमिली से थे और ठीक ठाक बड़े लेवल के, जैसे पुराने टाइम में आप जमींदार बोल सकते हो, 10 20 गांव की जमींदारी उस टाइप से वो थे, पैसे वाले अमीर लोग आप उनको बोल सकते हैं। तो वैसे ही कहानी है वो अलग से, कि भाई वो कुत्ते को कोई बीमारी थी उनके गार्डन में, वो उस पेड़ से रोज टकराता था कुत्ता, और